पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 250 बेडों के वार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से हजारों मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी। अब हॉस्पिटल में एमसीएच ब्लॉक बेडों की संख्या 459 के आसपास हो गई है। आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल के एमसीएच ब्लॉक में टोटल 586 बेड है। इसमें 117 बेड अभी कोरोना मरीज के लिए रखे गए हैं। फिलहाल मदर एंड चाइल्ड यूनिट में 250 बेड बढ़ने की वजह से बीमार होने वाले बच्चों और प्रसूति महिलाओं को काफी हद तक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जीटीबी अस्पताल में सभी वार्ड जो बंद पड़े हैं उन्हें शुरू करने की प्राथमिकता है। इसके लिए मैन पावर भी बढ़ाया जा रहा है। बस ये हमारी एमसीएच बिल्डिंग जो है वो काफ़ी देर से फंक्शनल थी, बट उसमें कई अंडर यूटिलाइज बेड थे। तो हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनके निर्देश से एमडी साहब ने अभी जो है 250 बेड जो को और फंक्शनल कर दिया है। तो अब हमारी जो क्षमता एमसीएच ब्लॉक की है वो 470 बेड के करीब हो गई है, जो कि पहले 200-250 के करीब थी। तो इसके कारण काफ़ी जो रश रहता है गायनी और ऑब्स डिपार्टमेंट में वो काफ़ी कम होगा और इससे पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बेड्स अलग मिलेंगे, पहले आपको पता है कि यहाँ पे कितना भीड़ रहता है। तो इस कारण ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे कि काफ़ी भीड़ कम होने का अंदेशा है। सर, हॉस्पिटल ये टोटल 1500 बेडों का है, तो वो जो 250 बेड चालू किए गए उन 1500 में ही है क्योंकि कोरोना टाइम में कुछ बेड कम कर दिए गए थे? अभी जो है हमने उसमें जो आपके टोटल हमारे वहाँ पे जो 586 बेड्स एमसीएच में फंक्शनल हैं उसमें के हमने 117 बेड जो हैं कोरोना के लिए अभी भी रिजर्व रखे हैं। तो अभी एमसीएच ब्लॉक जो है, जो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर है, वो करीब 470 बेड यूज़ कर रहा है। तो ये 470 अतिरिक्त है और 117 भी जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कोविड के बेड्स हम कम कर सकते हैं तो वो भी हम एमसीएच ब्लॉक में चालू करते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।